पौने 12 बजे रात में हम लोगों को अर्जेंट बाहर निकलना पड़ा। चलो आइए डैड, चलिए चलो जल्दी आओ। भगवान आप सब कैसे हैं, आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इस समय दिन नहीं है, इसमें रात का समय है और रात के 12:15 बज रहे हैं। 12:15 बजे रात में हम लोगों को अर्जेंट बाहर निकलना पड़ा। कहाँ जाना पड़ा इतनी रात में हम लोगों को, देखिए ये देखिए, इस समय 12:15 बज रहे हैं और सब रेडी हो रहे हैं फटाफट करके और हम लोग तुरंत ही निकलने वाले हैं। क्या हुआ, पीछे रख देना ना, वहाँ पे ना रखो, चलो पीछे रखो। पूरी तरीके से अंधेरा है, पूरे मोहल्ले के लोग यहाँ पे सो चुके हैं और रात में 12:15 बजे घर से बाहर हमारा। क्या बेटा जल्दी निकलो ना, जूता देखिए सड़क पे पहन रहे हैं, ये हाल है घर की। पति देव भी जूता अपना अंदर ही रख लिए हैं, कार के अंदर ही कह रहे हैं पहने के, कह रहे हैं अर्जेंट है, निकलो फटाफट यहाँ से। चलो आइए डैड, चलिए। वो आगे वो डैशबोर्ड में, मम्मा जी आइए। पूरा शहर बंद हो गया, पूरा सारी एक सब चीज बंद है, पूरा सन्नाटा हो गया। चलो जल्दी आओ, हम लोग अपने जहां हमको जाना पहुंचने वाले हैं। हाँ खुला तो है, लग्जरी व्यवस्था है, स्टाफ जो हमने लोग रखा है, कोई जाएगा नहीं आज, फर्जी पे चारों को रोक रखा है। और भाई क्या हाल चाल है, एकदम बढ़िया है। इसका इसको मैं बहुत पहले देखी थी, एक बार आई और आ गया, और मैं आपको बता दूं ये रेस्टोरेंट तो अभी खुला है मगर मैं इनको बहुत पहले से जानती हूँ। तो मेरा मोबाइल का साम्राज्य है, मेरे मोबाइल की बहुत सारी ब्रांचे हैं और ये सिर्फ मेरे पसंदीदा बिजनेस में एक है। तो रेस्टोरेंट का काम मैंने रिसेंटली चालू किया है और बहुत ज़्यादा मुझे 2 महीने हुए हैं चालू किए हुए। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हो कि मेरे घर में कभी भी सरप्राइज़ वाला कोई सिस्टम हो ही नहीं पाता क्योंकि हम दोनों हमेशा साथ में ही रहते हैं, तो सरप्राइज़ का कोई मैटर ही नहीं होता है। और आज हम लोग यहाँ रेस्टोरेंट में इनको कुछ देने के लिए, इनके लिए कुछ ख़रीदने के लिए, और क्या लेने के लिए आए और क्या इनके लिए सरप्राइज़ है ये आप बने रहिए, अभी आपको 2 मिनट पे दिखाती हूँ। मुझे पहले नहीं पता था कि मुझे क्या लेना है इनको, कि कह के अचानक से इन्होंने बोला कि किसी का फ़ोन आया है तुम्हें चलना पड़ेगा, तो मुझे मेरा पहले दिल थोड़ा घबरा गया था कि ये क्या हो गया, इतनी रात में 12:30 समथिंग कॉल आई कि आना है, तो इन्हें कहे बस फटाफट गाड़ी निकालो और जब जैसे तैसे हम वैसे ही भाग के चले आए यहाँ पे। और यहाँ पे आके पता चला कि हम लोग एक रेस्टोरेंट में आए, वो हमारे वो एक्चुअली भैया वो हमारे लोगों को बहुत पहले से जानते हैं, हम लोग बहुत पहले से जानते हैं, तो उनसे हमने उन्हें बात किया था, तो सरप्राइज प्लान किया था हमारे लिए पर हमें नहीं पता था। हम जैसे ही वहाँ से आए तो ये कहें कि चलना है इधर से गाड़ी घुमाओ उधर घुमाओ लेकर के आए, तो यहाँ फाइनली उनके रेस्टोरेंट पर हम लोग पहुँच गए। तो मुझे लगा ये रेस्टोरेंट आ करके गया, फिर यहाँ पर जो मैंने देखा उसको देख के मैं शॉक्ड हो गया हूँ और वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या है वो कारण जिसके कारण हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हैं iPhone 15 Pro Max ये गिफ्ट एक मिला हुआ है जो मोहन भोग रेस्टोरेंट के अंदर रखा हुआ है। तो ये मेरे लिए इन्होंने एक सरप्राइज प्लान किया था कि ये हमको आज देंगी, पर मुझे नहीं पता था सरप्राइज का कोई मैटर ही नहीं है। हाँ खैर सरप्राइज का कोई मैटर नहीं क्योंकि हम लोग साथ में रहते हैं, सरप्राइज प्लान ही नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी तुम कर ले जाती हो मेरे लिए। जैसा कि आप लोगों को पता है मैं तो कुछ महीने पहले खरीद ली थी अपने लिए, पर ये बेचारे एकदम सिंपल से फ़ोन से चल रहा था, तो हमने कहा चलो इनके साथ इनके लिए भी होना चाहिए क्योंकि दोनों की बराबर योगदान कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर है। और आज ये भी दिखेंगे अब आपको आईफोन के साथ, तो फाइनली इसको ओपन करते हैं फटाफट। आज हम आए हैं अपने रायबरेली के सबसे बड़े यूट्यूबर सृष्टि आयुष, जिनके 2.2 मिलियन सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पे, और इनके साथ जो है टाइम स्पेंड करना मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है
अब ये तो छोटी समझते होंगे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली हम लोग आए थे स्पेशली अपने रेस्टोरेंट पे इनको फोन दे रहे 15 प्रो मैक्स, तो ये आपका फोन है और थैंक यू सो मच। और आपको मैं बता दूं कि मुन्ना भैया को मैं आज से नहीं जानते, बहुत पहले से जानते हैं, और इनका मेरा जो अटैचमेंट है वो ये बिजनेस वाला नहीं है, इससे कहीं ज़्यादा घर का है, मतलब घर के हैं ये मेरे, और इनसे फ़ोन लेने की बात ही अलग है, क्यों भैया जी? बिल्कुल, अब लोग 12 बजे फोन की डिलीवरी कर रहे हैं अपने रेस्टोरेंट पे, अब आप समझ लो कैसा रिलेशन होगा हमारा। हाँ बिल्कुल, घर की तरीके से बहुत। तो थैंक यू सो मच भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे कॉफी पीने को भी मिल गए, क्योंकि घर के हैं ना तो कॉफी भी पिए बिना जाएंगे नहीं, जानते हैं भैया। बहुत सेवा सत्कार हो रहा जैसे हम लोग आए इसके अंदर। मैंने तो डिनर का प्रोग्राम रखा था मगर आप लोग खाना खा चुके थे, हम लोग खाना खा चुके थे, जब इनका फोन आया था तो हम लोग खाना खा चुके थे, तो बोले कि चलो आओ। मैंने सोचा था कि मैं आपको डिनर पे इनवाइट करूंगा मगर ये प्लान मेरा बाद में कभी हो जाएगा, अब कि नेक्स्ट टाइम में तुम्हें जो है 15 प्रो मैक्स जब लाके दूंगा तेजस को, तब हो जाएगा, जब तेजस को लाके दूंगा तब हो जाएगा डिनर मेरा, ठीक है? पक्का फोटो खिंचाने के लिए चक्कर परेशान कर रहे, एक दो दिन पहले से मैं दोस्त कर दूंगा कस्टमर्स के। हाँ ठीक है, तो मैं आपको सारे जब भी कभी मेरा कुछ भी होता तो ये जान लीजिए मेरा आपके साथ ही है 100%। नमस्ते भैया, नमस्ते भैया। फाइनली गाइज हम लोग घर पे आ चुके हैं और ये फोन पा चुके हैं अपना। अब क्या बोलें इसके बारे में, हम कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं, बहुत ही स्पीचलेस हैं क्योंकि मुझे पता भी नहीं चला। इसके पहले भी आप देख सकते हो तो मुझे इन्होंने गोल्ड की चेन एक दी थी, काफ़ी उसमें भी भावुकपल हो गया था। अब इस समय मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं खुश हूँ कि क्या हूँ, मुझे बस हाँ। तो ये चीज़ इन्होंने दी, अब अभी हम हमेशा आपसे बोलते रहते हैं ना कि हम लोग कोई सरप्राइज़ प्लान नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये पता नहीं किस समय क्या कर दी, कब की है, ये मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। और ये वहाँ पे एक सरप्राइज टाइप का ही बोल, सरप्राइज क्या है एक्चुअल, पता है क्या था कि, और मैं एक चीज़ और बता दूँ, सुनिए स्प्रीक क्यों हो गया है। एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरा जो फ़ोन मैं यूज़ करता था उसका एक, मैंने वो एक बार गिर गया था तो उसका डिस्प्ले नीचे से टूट गया था। ये चीज़ मुझे तो, मैंने कभी इनसे ये भी नहीं बोला कि टूट गया है कुछ, मैं इसको चलाता था क्योंकि चल रहा था, वर्किंग था काम पे, इनको शायद वो पता चला होगा, ये देखी हूँ कुछ कभी, क्योंकि ये ऐसी सी मेरी छोटी छोटी बातें देखती रहती हैं चीज़ें, जो चीज़ देखती हैं ये मेरे साथ हो रही हैं और मैं इनसे नहीं एक्सप्लेन किया हूँ तो वो चीज़ पूरी कर देती, तो शायद इनके दिमाग में आया होगा वो डिस्प्ले में लाइट वगैरह थोड़ा सा नीचे से क्रैक हो गया था, तो उसकी वजह से मुझे लगता है ये कब सरप्राइज़ प्लान की या कब इन्होंने बात कर ली भैया से वहाँ जा करके, और क्योंकि मुझे बताया तो नहीं, जब ये फ़ोन आया उनका तो उन्होंने मुझे सडनली ऐसे बोला कि यार चलो फटाफट अभी फ़ोन आया है कि इमीडिएटली यहाँ से निकलना है, तो मैं भी घबरा गया कि कहाँ निकलना है तुरंत, इन्होंने गाड़ी मैंने जूते तक नहीं पहने थे, जूते मैंने अपने वहाँ पे कार में पहने जा करके, वहाँ जाकर पता चला, तो मेरे लिए ये आया हुआ था। तो अगर देखा जाए तो सरप्राइज वरप्राइज कुछ नहीं होता है और किसी को कुछ देने होना कुछ नहीं होता है, मैं तो ये कहती हूँ ये आईफोन बहुत छोटी सी चीज़ है, ये कुछ है ही नहीं, और मतलब क्या देना यार, कोई देने होने के लिए है ही नहीं। हम दोनों की हर जगह बराबर मेहनत है, हम लोगों को बराबर एक दूसरे के साथ पूरक है। बहुत लोग कहते हैं कि मैंने इनकी ज़िंदगी बनाई, इनके इनसे मिलने वाले कहते हैं कि ये मेरी ज़िंदगी में आके लगी हैं, हम मतलब बहुत लोग एक दूसरे को हम लोगों को कॉम्प्लीमेंट देते हैं, बहुत लोग कहते हैं इनकी ज़िंदगी में मैं आई तो ऐसा हुआ, फिर इनको लोग कहते हैं ये मेरी ज़िंदगी में तो ऐसा हुआ। हमको लगता है सृष्टि आयुष जो है वो एक दूसरे के पूरक है, वही चीज़ें हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, ये अधूरे 110%। अगर मुझे अकेले खड़ा कर दिया जाए तो मैं अधूरी, और इनको अकेले खड़ा कर दिया जाए तो ये अधूरे, हम लोग पूरक ही हैं एक दूसरे के। हम लोग अगर अकेले हो जाएं तो हम लोग एक दूसरे के पूरक कभी नहीं बन सकते, और हम ये भी कह सकते हैं कि आज जो कुछ हम लोग हासिल कर रहे हैं, जो मुकाम हासिल कर रहे हैं, जिस मुकाम पे हैं, वो सब एक दूसरे के सपोर्ट और केयर के ही कारण है। और जो हमारा रिलेशनशिप आप लोगों को कोई ऑन कैमरा दिखता है ना रियल बताएं, उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रांग हमारा ऑफ कैमरा है, ये सच्चाई है। हम लोग ऑन कैमरा तो शायद कभी ऐसा दिखा भी होगा कि हम लोग कंटेंट वीडियो में ये ड्रिंक करके आ रहे हैं या कंटेंट हम कर रहे हैं या इनको मैं कुछ कह रही हूँ ये मुझे कुछ कह रहे हैं, हो सकता है ऐसा कुछ दिख गया हो, वो तो महज एक केवल वो कंटेंट है सोशल मैसेज देने के लिए, सोशल मैसेज रहता है कि हम लोग कोई मतलब स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं, मगर रियल बताएं जो हम लोगों को ऑन कैमरा देख रहा है ना वो हम मतलब उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रांग रिलेशनशिप हम लोगों का ऑफ कैमरा है। मतलब ये हम दोनों ना, हमको लगता है हम लोगों की कोई तीसरे की जगह हम दोनों के रिलेशनशिप में है ही नहीं, हम लोग एक दूसरे के पूरक है। कहते कि नहीं, लोग कहते हैं ना कि उनकी फैमिली में वो भड़का दिए, मगर आयुष को सृष्टि को कोई बीच में भड़काने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग एक दूसरे के पूरक हैं। और
मुझे लगता है किसी की नज़र ना लगे। ईश्वर की बहुत ज़्यादा मेहरबानी हम लोगों की फैमिली के साथ है, और मैं ये कहूँगी कि मम्मी का ऊपर से आशीर्वाद हमारी फैमिली के साथ है, पूरी फैम आप लोगों का आशीर्वाद है, और क्या चाहिए। और हम लोग अपनी ज़िंदगी में जितना भी है, मैं आज यही हमेशा ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ, भगवान ने जितना तुमने दिया है ना, बहुत दे दिया, हमने कभी नहीं कल्पना की थी कि हमारे पास इतना कुछ होगा, और इतना कुछ दे दिया भर के, आज सारी ख्वाहिशें सारी चीज़ें पूरी हो रही है। और एक मनुष्य के नाते तो अगर ख्वाहिश तो अंबानी की भी नहीं पूरी होती, मगर मैं ज़रूर कहती हूँ, मैं आज सृष्टि ज़रूर कहती है कि ईश्वर और क्या देते, बहुत कुछ दे दिए, बहुत ही कुछ दे दिए, जिसकी कल्पना सृष्टि आई उसके नहीं थी, जिस मुकाम पे आज हम लोग पहुँचे वो उस कल्पना कभी नहीं किए थे, कभी ज़िंदगी में नहीं किए थे। और थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोग ने बहुत सपोर्ट किया, इतना नेक्स्ट लेवल का सपोर्ट सोशल मीडिया पे हमारा हुआ कि एक महीने में चैनल मोनेटाइज होना यूट्यूब का बहुत बड़ी बात होती, जिस सृष्टि आयुष की कोई पहचान नहीं थी, जिस सृष्टि आयुष ने ये देखो 8,000 के फ़ोन से स्टार्ट किया था, 8,000 के फ़ोन से स्टार्ट किया था अपनी जर्नी, और उस 8,000 के फ़ोन से पता नहीं कितने लाख कमाने के बाद आईफोन अब जाके हम लोग ने ख़रीदा। तो बहुत बार हमने ये बात कही कि आईफोन महत्व ही नहीं रखता है किसी भी वीडियो को वायरल करने के लिए, किसी भी चीज़ को वायरल के लिए महत्व रखता है, तो केवल आपकी मेहनत महत्व रखती है। जो लोग चैनल बनाए हैं वो भी एकदम धैर्यता से समझिए कि महत्व आपका टैलेंट आपकी चीज़ें रखती, ना कि आईफोन रखता है। आईफोन तब आप हम लोग अब क्यों लगा, अब आप सोचोगे कि दीदी फिर आपने आईफोन क्यों खरीदा, तो डियर देखो जैसे ये एक इन्वेस्टमेंट है, अब मैं इस जगह पे पहुंच गई, इतने चैनल मेरे चल रहे, इतनी चीज़ें हैं, तो अब मेरा भी एक रिस्पांसिबिलिटी होती है कि अपनी ऑडियंस को एक अच्छी वीडियो क्वालिटी में अपनी वीडियो को दे, एक अच्छी चीज़ों में दे, क्योंकि आप लोग ने मुझे एक साधारण फ़ोन से बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। तो मैं हमेशा मोटिवेट करती हूँ कि पैसा उतना ही खर्च करें जितना उचित हो। आज हम इस लायक, बहुत ज़्यादा इस लायक बने तब हम जाके आईफोन लिए, नहीं तो मैं चाहती तो मेरी जगह कोई और होता तो आज से 2-2.5 साल पहले ही आईफोन ले लेता, जैसे ही उसका चैनल मोनेटाइज हुआ था और जिस तरीके से हिट हो रहे थे, मेरे करोड़ों में व्यूज जाते थे, मेरे बहुत लोग हाँ। तभी ले सकते थे, लोग ले भी लेते, लोग स्टार्ट करने के पहले आईफोन ले लेते, चैनल स्टार्ट करने से पहले सारी चीज़ें ले, मगर हम लोग ने 2-2.5 साल पूरा प्रॉपर चैनल से पैसे कमाए, उसके बाद आईफोन लिए। तो आप लोगों के लिए ये मोटिवेशन मैं नहीं कहूंगी कि आप लोग आईफोन फटाक से जाके खरीदो, मैं ये जरूर मोटिवेट करूंगी, मेहनत करते रहिए, लगन रखिए, आप लोग जरूर सफल हो गए। हमारा हम साधारण से थे, हमको कोई नहीं जानता था, आज मिलियंस लोग फॉलो करते हैं, तो जब हम लोग की लाइफ चेंज हुई तो आपकी भी जरूर चेंज होगी। हाँ मैं ये कहती हूँ, घर का एटमॉस्फेयर बहुत मायने रखता सफलता के लिए, तो घर के एटमॉस्फेयर को पॉजिटिव रखिए, अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए, और ज़िंदगी में भगवान पे भरोसा रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। और फाइनली ये ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ अपनी चुन्नू के साथ और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और बहुत खुशी हुई, प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, बनाए रखिएगा, और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक जरूर करिएगा, और कुछ भी सीखने को सृष्टि आयुष से मिलता है तो एक कमेंट जरूर करिएगा। बाय बाय।